ये कहानी एक कंपनी की है जो काफ़ी घाटे में जा रही थी। कंपनी का मालिक और कर्मचारी इस बात से काफ़ी परेशान थे क्योंकि कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ उनकी ग्रोथ भी रुकी हुई थी। एक दिन उस कंपनी के मालिक ने कंपनी के गेट पर एक नोटिस लगा दिया जिस पर लिखा था, कल रात उस कर्मचारी की मौत हो गई जिसकी वजह से इस कंपनी की और आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, और शोक मनाने के लिए हम सभी एक घंटे बाद ऑडिटोरियम में मिलेंगे। ये बात सुनकर सभी कर्मचारी थोड़ा दुखी भी थे और खुश भी थे। दुखी इसलिए थे क्योंकि उनके साथ का ही कोई साथी अब इस दुनिया में नहीं रहा था, लेकिन वो इस बात से खुश भी थे कि अब वो व्यक्ति नहीं रहा जिसकी वजह से उनकी और उनकी कंपनी दोनों की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। और हर कर्मचारी यह भी देखना चाहता था कि आखिर वह व्यक्ति कौन है। एक घंटे बाद सभी कर्मचारी ऑडिटोरियम में पहुँचे। ऑडिटोरियम में एक कैफिन रखा हुआ था और बारी बारी से सभी कर्मचारियों को उस व्यक्ति को देखने का मौका मिला, लेकिन जब भी कोई कर्मचारी उस कॉफिन के अंदर देखता तो वो मायूस हो जाता और सर झुकाकर वहाँ से चला जाता, क्योंकि उस कॉफिन के अंदर एक आईना रखा हुआ था। जो कोई भी उसके अंदर देखता तो उसे अपना चेहरा नज़र आता। उस कॉफिन में खुद को देखकर कर्मचारी को यह बात समझ आ गई कि कंपनी की ग्रोथ किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं की लोगों की वजह से कम हो रही थी जो उस कंपनी में काम करते हैं। ये छोटी सी कहानी हमें ये बात सिखाती है कि हमारी असफलता और हमारे फेलियर का कारण कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। अगर हम अपने काम में अपना 100% एफर्ट्स नहीं देंगे तो हमारी ग्रोथ कभी भी नहीं हो सकती। काम चोरी किसी भी इंसान को लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकती।